फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नई उमंग और नई जोश के साथ। क्यों? क्योंकि मैं लंबे समय से आप लोगों के सामने नहीं आके बातें नहीं कर रही थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँ इस तरह से। तो आज मैंने सुबह का सारा काम खत्म कर लिया, नहा धो के पूजा करके नाश्ता भी कर लिया है और अभी मैं वेट कर रही हूँ कि कोई सब्जी वाला आए जो कि मैं सब्जी लूँ और खाना बनाने जाऊँ। तो देखती हूँ सब्जी वाले आते हैं या नहीं। नहीं आएंगे मेरे टाइम के अंदर तो मुझे बेसन की सब्जी बनानी होगी, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी पर बना नहीं पा रही थी। शायद आज वो दिन आया है कि मैं आप लोगों के साथ बेसन की सब्जी का रेसिपी शेयर करूँ। ये तो सभी लोग बनाते हैं पर सबका प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होता है। मैं भी दो तीन तरह के प्रोसेस से बनाती हूँ, तो आज मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग साथ में बने रहिए, इन्जॉय करिए। और जिसे नहीं आता है वो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए जो कभी नहीं खाए हैं। तो चलिए देखती हूँ, कुछ देर मैं वेट करूँगी सब्जी वाले का, अगर नहीं आए, क्योंकि मेरे पास बस एक घंटा का टाइम है। 11 बज चुका है और 12 बजे से मेरा फिर से योगा क्लास है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आज मैं क्या क्या करती हूँ। तो देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने वेट किया बहुत देर, तो सब्जी वाले तो आए पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बेसन की ही सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी लिया मैंने, यहाँ पे लिया है मेथी का साग जो ठंडे में अभी स्टार्ट हो गया। साग सब्जी बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं तो मैंने आज मेथी का साग लिया। यहाँ पे आलू और मेथी का साग मिला के बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला, बस 5 फोड़न और हरी मिर्च के साथ मैं यहाँ बना रही हूँ मेथी की साग। और इधर चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, तो चावल और साग बना के फिर मैं बेसन की सब्जी बनाऊँगी। और देखिए, मैंने योगा भी कर लिया है तो मुझे भूख भी लग गया, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज भी खा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। अब जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है क्योंकि बेटी आ जाएगी, तो इसके बाद मैं बनाऊँगी बेसन की सब्जी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिया बेसन। बेसन मैंने कुछ मेजरमेंट वैसे नहीं किया, मैं अपने अंदाज से बना रही हूँ। तो मैं लगभग 250 ग्राम के अंदाज यहाँ पे बेसन लिया है और उसमें नमक, अजवाइन और हल्दी, जीरा पाउडर और मिर्च पाउडर और उसके साथ में काला जीरा और थोड़ी सी हींग यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से और उसके साथ ही यहाँ पर सरसों का तेल भी 3 चम्मच डाल रही हूँ। और ये सब अच्छे से मिक्स करके इसे पानी से मैं घोल दूंगी। एकदम पतला बैटर बनाना है कुछ इस तरह से, थोड़े थोड़े पानी दे करके मैं इसका पतला बैटर बना लूँगी। और इधर मैंने कढ़ाई भी रख दिया है, तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी तेल। तेल डालने से क्या होता है कि ये बैटर ऐसे तुरंत चिपकने लगता है तो फिर चलाने में नहीं बनता है। इस वजह से यहाँ पर हल्के से तेल लगा देने से ये चिपकता नहीं है, अच्छे से इसमें पक जाता है बेसन। तो इसलिए मैंने यहाँ तेल डाला है। और देखिए, ये बैटर को मैंने डाल दिया और इस बर्तन को भी धो के जो भी है सारे पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है यहाँ पे। और उसके बाद लगातार चलाते रहना है, चलाते रहना है, क्योंकि नहीं चलाने से गुठली भी बन जाएंगे और नीचे से चिपकने भी लगेंगे। तो बस इसे चलाना है पूरे पेशेंस के साथ। और मैंने इसे देखिए अच्छे से सुखा लिया है चलाते हुए। और अब मैं इसका मसाला रेडी कर रही हूँ। तो मसाला में लिया मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और गरम मसाला डाला है एक साथ ही, क्योंकि गरम मसाला पाउडर नहीं था। पाउडर रहने से आप लास्ट में पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे आधा टमाटर और आधा प्याज और हरी मिर्च सब एक साथ ही ग्राइंड कर रही हूँ। और उसके बाद इधर ये बैटर भी मतलब अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तब मैं इसमें इसे निकाल रही हूँ एक थाली में। थाली में तेल लगा लिया मैंने पहले, उसके बाद इसे निकाल दूँगी सारे बैटर को। उसके बाद देखिए, अभी यहाँ पे मैं इसे हाथ से अच्छे से इसमें फैला दूँगी दबाते हुए। और उसके बाद हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के, क्योंकि हाथ में भी हल्का चिपकता है। तो बस बहुत न पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है ये, हाथ जितना बर्दाश्त करे उतना ही चाकू से कट कर दूँगी। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे बर्फी आकार का दे या छोटे छोटे पनीर के साइज का भी काट सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आप उस आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया स्क्वायर शेप में ही और
तो अब यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है और मैंने डाल दिया सरसों का तेल। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे किस तरह से छोटे पीस भी डाल सकते हैं और इस तरह से आप इस ट्रायंगल शेप में भी डाल सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से करें। उसके बाद मैं यहाँ गरम तेल में डालूँगी इसे और दोनों तरफ से उलट पलट करके इसे फ्राई कर लूँगी। देखिए कितने अच्छे से सब निकल चुके हैं, तो अब इसे मैं फ्राई करते जाऊँगी एक एक करके इस तरह से पलटते जाऊँगी और उसके बाद मैं इसे हल्का ब्राउन जैसे होगा बस इसे निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से पलट पलट करके इसे तल लिया और अभी मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से ही सारे बेसन के बर्फी को मैं निकाल लूँगी इस तरह से इसमें फ्राई करके। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्राई कर लिए अच्छे से। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं फिर से ऑयल डालूँगी और उसके साथ ही मैं यहाँ पे तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, जीरा और इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी हींग और प्याज। तो हींग मैं इस जगह देने के लिए भूल गई थी तो थोड़ा मैं बाद में दे रही हूँ इस तरह से। तो देखिए और उसके बाद मैं इसे हल्का फ्राई करूँगी। उसके साथ ही मैं फिर इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी। आधा टमाटर मैंने पीसा था और आधा टमाटर मैं अभी ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ में जितना भी नमक डालना है सब पूरे सब्जी में, हल्का नमक मैंने बेसन को घुलते समय भी दिया है, तो बस के ग्रेवी के हिसाब से मैंने यहाँ नमक ऐड कर दिया। और इसे ढक के थोड़ी देर तक रख दूँगी लो फ्लेम पे। उसके बाद फिर से मैं इसे चलाऊँगी, कुछ इस तरह से चलाना है दबा दबा के ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मसाला यहाँ पे ऐड करूँगी। उसके साथ ही मैं यहाँ पे सारे ड्राई मसाले भी दूंगी, तो हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर सभी एक दे रही हूँ मैं एक एक करके। और उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई करना है, पूरे पेशेंस के साथ इसे फ्राई करना है। तो मैं इसे ढक ढक के फ्राई करते जाऊँगी और ताकि ये मसाला जले नहीं। और देखिए इस तरह से, और जो मैंने कढ़ाई ये किया था तो उसमें बहुत चिपका हुआ था तो उसे भी मैंने धो के रखा था पहले ही, तो उसे मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो ये आधा मतलब भुना गया मसाला, तो उसके बाद मैं इसके साथ ही इसे भी भून लूँगी क्योंकि बेसन का कच्चापन नहीं लगे और इससे ग्रेवी भी अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट तक मैंने लगातार मसाले को भूना है अच्छी तरह से लो फ्लेम पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अब पानी ऐड कर रही हूँ, तो उस कढ़ाई को मैंने अच्छे से धो करके ही पानी डाल दिया बेसन वाले कढ़ाई को। तो अब मैं इसे बॉयल आने दूँगी। देखिए यहाँ पे अच्छे बॉयल आ चुके हैं, तब अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी वो फ्राई किए हुए बेसन के सारे पीसेस जो मैंने पहले करके रखा है। तो अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इस तरह से। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे खा करके समझ में भी नहीं आएगा, बहुत लोग तो समझते हैं कि पनीर की सब्जी है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी और थोड़े से देसी घी। तो बस ये इस मतलब घी डालने से इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो इसे डाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी ढक के, बस 2 मिनट के लिए। बस सब्जी हो चुकी है मेरी रेडी। तो देखिए ये सब्जी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे मैंने बेटी को बोला कि टेस्ट करूँगी, तो वो टेस्ट करके वो बोल रही है ये तो पनीर की सब्जी है।
थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं उसके प्रोजेक्ट जो भी कुछ है, उसके होमवर्क है, उस सब में मैं हेल्प करूंगी। तो मैं वो बोल रही थी मुझे दिखाना है, तो मैंने दिखा दिया। वो एक्साइटेड हो जाती है कोई भी वर्क करती है या कुछ, तो वो चाहती है सभी को दिखाए, घर में भी सबको दिखाती है, और बोल रही थी कि फैमिली को भी दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे आप लोगों से विदाई ले रही हूँ। और मैं आज इसलिए फिर से आप लोगों के सामने बस नॉर्मल ब्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि कितने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी कुछ भी। और मेरी बेटी का बहुत ही नज़दीक है एग्जाम, तो उसका भी हेल्प करना होता है, क्योंकि पहले तो बच्चे हैं। तो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, देखती हूँ कब मैं फिर वीडियो बना पाती हूँ। तब तक के लिए और फिर दूसरे दिन दिखाना। अच्छा ठीक है, अभी क्या बनाया दिखा दे। ये अदर हाफ ऑफ लीफ, अब थोड़ा इसको शेड देने के लिए मैं यूज करूँगी। ठीक है, एक दिन तुम्हारा ही सिर्फ ये सभी वीडियो बनाएंगे। तो मैं अब यहीं पे आप लोगों से विदाई ले रही हूँ। तो आप लोग रखिए अपना ख्याल और रहिए अपनी लाइफ में खुश, और मुझे भी खुश कर दीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो को देख के और शेयर करके और अच्छे अच्छे कमेंट करके। तो मैं अब यहीं पे आप लोगों को बाय बाय कह रही हूँ। थैंक यू।